नमस्कार। सो यू नो सेम टॉपिक पे वीडियो मैंने 4 साल पहले बनाया था, और सच बताऊँ शायद मेरा बोलने का तरीका ऐसा था कि वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था, पर शायद मेरा एकमात्र वीडियो था कि जिसमें अगर 100 डिसलाइक थे, तो शायद सारे एक तरह के लोगों ने लाइक किया था और बाकी दूसरे तरह के लोगों ने डिसलाइक किया था। तो वीडियो शायद वो ये था कि जिसे मैंने एक सब्जेक्ट ये था कि MBBS, BDS, BHS, BMS, BHMS को एक ना माना जाए। खैर वो बात आज भी ट्रू है, बट शायद मैं आपको आज किसी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूँगा, क्योंकि 4 साल के दरमियान बहुत चीज़ों में फ़र्क और बहुत चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। देखिए MBBS है, हम जानते ही हैं, और इट इज़ नॉट कंपेयरिंग ओनली MBBS विद BDS एंड ऑल दैट, इट इज़ कंपेयरिंग MBBS विद एनी अदर कोर्सेज, और नॉट ओनली मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज, इवन BBA लॉ एंड ऑल दैट, राइट। MBBS हिंदुस्तान में एक डिग्री है जो बहुत शॉर्टेज में है, इसीलिए कुछ स्टेट्स बॉन्ड मांगते हैं कुछ, क्योंकि और मैं ये भी आपको क्लैरिफाई कर दूँ इसी वीडियो में ना, कि कोई कभी बार ना आर्टिकल छपता है कि इतने सारे MBBS ने अप्लाई करा 70,000 की नौकरी के लिए। देखिए वो शहर की बात है, शहर में मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ कुछ शहरों में शायद अब MBBS डॉक्टर्स भी सेचूरेट होने लग गए हैं, बट मेन बड़े शहर से आप 25 किलोमीटर भी दूर जाओगे ना तो MBBS की बहुत शॉर्टेज है। तभी तो हर स्टेट गवर्नमेंट रूरल बॉन्ड वगैरह आपसे भरवाती है ना कि आप जाइए, या हरियाणा ने बॉन्ड निकाला था। तो MBBS की शॉर्टेज हम ये जानते हैं, और इसी वजह से ही तो MBBS अब्रॉड में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया जैसी, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, एवरेज कंट्री में हम जाते थे कोर्स करने के लिए, क्योंकि उस कोर्स की इंडिया में वैल्यू है, राइट। ये लॉजिक किसी और कोर्स के साथ नहीं है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज़ क्लियर है। तो MBBS मेरी फिर भी सलाह रहती है कि इंडिया में आप नहीं कर पा रहे सरकारी या प्राइवेट, तो आप अब्रॉड के ऑप्शंस देखिए। बट चलो फिर ये आ गया कि अब्रॉड बच्चा जाना नहीं चाहता या हम भेजना नहीं चाहते उन कंट्रीज़ में, और इंडिया का बजट नहीं है, तो अब क्या करें, राइट। अब जब वो ऑप्शन आती है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि आयुर्वेदिक करूँ, होम्योपैथिक करूँ, बी फार्मा करूँ या BDS करूँ, राइट। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस BDS पे करूँगा। तो सबसे पहले आपको समझना है ना कि चारों पाँचों डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट कैरियर है। तो सबसे पहले बच्चे के साथ आराम से बैठिए। देखिए आयुर्वेदिक होम्योपैथी फिर भी एक फुल फ्लेज मेडिसिन कोर्स है, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक MBBS, इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, बट यू आर स्टिल अ कंप्लीट डॉक्टर, राइट। आप पूरा इलाज कर रहे हो, आपके पास लोग आएंगे, धीरे धीरे आयुषी पॉपुलरिटी इंडिया में बढ़वाई जा रही है थ्रू द करंट गवर्नमेंट, तो और बीच बीच में आता रहता है ब्रिज कोर्स आएगा नहीं आएगा, बट यू आर सपोज टू बिकम अ फुल फ्लेज डॉक्टर, बट इन ए नॉन एलोपैथिक वे ऑफ मेडिकल। BDS एक्चुअली एलोपैथिक वे में ही आता है। तो वेन यू गो टू अ बिग सरकारी हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक मैक्स एंड फोल्टिस, यू विल सी MBBS एंड MDs सिटिंग देयर, एंड यू विल ऑल्सो सी BDS एंड MDs सिटिंग देयर, राइट। यू मे नॉट सी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर इन ए फोल्टिस और अ मैक्स और अपोलो, इजंट इट। सो ये सबसे बड़ा फ़र्क आएगा कि BDS इस अभी भी एक एलोपैथिक वे ऑफ मेडिसिन के अंदर ही उसका काउंट होता है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हर जगह ओवर सप्लाई हो गई है, BDS की भी ओवर सप्लाई है, बहुत सारे BDS हैं, कुछ बहुत कामयाब हैं, कुछ बिल्कुल फेलियर हैं। आपको बहुत सोच समझ के BDS चुनना चाहिए, और मैं आपको एक 4-5 पैरामीटर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इसमें फिट होता है तो आप BDS ही लीजिए, नहीं तो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला कि BDS कम्स अंडर एलोपैथिक वे ऑफ मेडिसिन। सबसे पहली बात है कि अगर किसी के मतलब सेगमेंट वन, अगर आपके पेरेंट्स का चलता क्लिनिक है, 30 साल पुराना ब्रांड है, विंटेज है, और बच्चा फ्रेश BDS करके ज्वाइन करता है, तो चल जाएगा उसका भविष्य, करियर अच्छा चल जाएगा, बड़ा ऑब्वियस है ये, तो चलता बिजनेस, सेम लॉ में होता है, सेम चार्टर अकाउंटेंसी में होता है, एसेट्रा एसेट्रा। नंबर टू, एंड प्लीज़ डोंट माइंड, इंडिया में बहुत गर्ल्स BDS करती हैं, फिर से लो बजट वाली, बाहर नहीं जाना, घर के आसपास का कोई BDS कॉलेज पकड़ा, एक डिग्री ले ली, जब तक BDS ख़त्म होती है तब तक शादी की हो जाती है, शादी के टाइम में कहा दिया जाता है देखो BDS है, बच्चे डॉक्टर है, चले जाते हो, 6-8 महीने बाद यू गो इन टू मदरहुड एंड ऑल दैट, और BDS की डिग्री बस दीवार पे टंगी रहती है। हाँ, ज़िंदगी भर आप नाम के लिए डॉक्टर होते हो, आपको कई बेनिफिट या कई रिस्पेक्ट मिल जाती है, और लोग उसमें भी काम चला लेते हैं। मतलब मैंने कई BDS डॉक्टर्स को, ट्रस्ट मी, मेरा क्योंकि मैं स्टडी अब्रॉड भी करता हूँ ना, BDS डॉक्टर्स को हमने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ करने कैनेडा या UK भेजा है भर भर के, क्योंकि ये वो BDS डॉक्टर थे जो चारों सेगमेंट में नहीं आए। सेकेंड सेगमेंट मैंने बोला कि आप शादी करके आप घर पर बैठ गए, तो ये जो मैं दो का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो इन चारों सेक्टर में नहीं आ पाए थे, तो उनका पेरेंट्स का क्लिनिक नहीं था,
उन्हें कमाना था तो वो घर नहीं बैठ सकते थे। थर्ड सेगमेंट आता है कि आपको ना मालूम होता है कि आपका इतना पॉलिटिकल क्लाउड है या कुछ है कि आप किसी तरीके से एक सरकारी अस्पताल में ज्वाइन कर लोगे तो भी चलो आप बहुत मोटी सैलरी नहीं मिलेगी बट 80-90 हज़ार भी सैलरी मिलेगी तो काम चल जाएगा। दैट इज़ अ थर्ड सेगमेंट कि जिसकी वजह से आप BDS कर सकते हो। फोर्थ सेगमेंट ये है कि देखिए, और दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो टू अ वेरी गुड कॉलेज जहाँ पर आप असली में सीखें। क्योंकि BDS के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि 80% BDS कॉलेज की 50% सीटें खाली जाती हैं, जो आपको ना शायद एडमिशन से पहले पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ना बहुत सोच समझ के BDS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और ये पहले पता करना चाहिए कि उसमें क्या बैच साइज़ चल रहा है, क्या लास्ट ईयर के बैच साइज़ चल रहे हैं, क्या नेक्स्ट ईयर के बैच साइज़ होने वाला है। पूछो क्यों, जो मैं हमेशा आपको MBBS प्राइवेट कॉलेज का भी लॉजिक देता हूँ अपने क्लाइंट्स को वीडियोज़ में, एक सिर्फ सिंपल डेंटल कॉलेज है वही जो UP के किसी छोटे शहर में खोला गया या हरियाणा में खोल दिया गया किसी ऑफ बीट लोकेशन पे, जिनके कोई जिस कॉलेज में कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराने नहीं आता पैसे देके, तो फ्री में आप डेंटल ट्रीटमेंट करते हो ताकि आपका BDS कॉलेज चल सके और वो फ्री में आप सब कुछ कर रहे हो, तो वहाँ से तो रेवेन्यू आ नहीं रहा, बट कॉलेज आपका पिट गया है। जो सरकारी फीस है जो सरकार बोलती है उससे आधी फीस में आप पढ़ा रहे हो। आते हैं ना बहुत, आपको व्हाट्सएप आते होंगे, SMS आते होंगे, 9 लाख है पूरी BDS कीजिए, 11 लाख में कीजिए हॉस्टल मिला के। तो क्या आप दुकान में सब्जी मूली गाजर खरीद रहे हो? अब जिस कॉलेज की सीटें भी 40 ही भरी, 2.5 लाख वो साल का आपसे ले रहा है, टोटल मतलब उसने सोचिए 1 करोड़ की कलेक्शन करी एक साल में, 1 करोड़ की सिर्फ पूरे कॉलेज में 5 साल में उसकी 5 करोड़ की कलेक्शन हो रही है, जिसमें पूरे डेंटल कॉलेज का खर्चा चलाना है, जो आपके प्रोफेसर्स होने वाले हैं वो जो फ्री ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि शर्त है ना BDS कॉलेज चलाने के लिए कि आपका भी चलता हुआ डेंटल कॉलेज होना चाहिए विद सो मैनी OPDs एंड ऑल दैट एंड सो मैनी स्पेशलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो कैसे चलाओगे, पैसे होते नहीं है। तो ये बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर ही बैठ जाते हैं घर पे, और इसलिए अक्सर ये सेगमेंट 2 में आते हैं या ये सेगमेंट 5 में आते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते कोशिश करने के बावजूद भी, जो मैंने बोला जिन्हें फिर अपना करियर ही चेंज करना पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा भाई, या तो आपके पिताजी का चलता क्लिनिक हो, फिर आप किसी भी कॉलेज में चले जाना और वही आपको सिखाएंगे बेसिकली, जब आप छोटी हो में 4 साल बाद क्लिनिक जाओगे, या आपको क्लियरली पता है कि आपको खाली डॉक्टर का ठप्पा चाहिए, या आपके पास सरकारी नौकरी का जुगाड़ है, या चौथा मैंने आपको बोला यू हैव टू इंश्योर दैट यू गो टू अ गुड कॉलेज जो चलता हुआ कॉलेज है, जिन कॉलेज में इतना फंड आता है कि वो उल्टा आप पे खर्च कर सके, आपको अच्छी फैकल्टी अच्छे टीचर्स दिलवा सके, अच्छा इंफ्रा दिखा सके, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और सबके बावजूद भी एक फिफ्थ फैक्टर भी आता है कि एज ए BDS डॉक्टर आपको कमाना आना चाहिए, क्योंकि एक आज अभी कुछ साथ बैठा था, कहते हैं जब एक वो रूट कनाल होती है तो मार्केट में रूट कनाल विद कैपिंग 3,000 रुपये से स्टार्ट होकर 30,000 रुपये तक जाती है। 3,000 रुपये में जो डॉक्टर करेगा तो 1,000 रुपये कमाएगा टोटल, मतलब 1,500 कमा लेगा कैब का खर्चा निकाल के, और 30,000 वाली कैब में वो कमाते हैं 24,000 या 22,000। अब आप 30,000 वाले पेशेंट से डील कर रहे हो या 3,000 वाले से? अगर सुबह शाम आप 3,000 में ही कैपिंग कर रहे हो, 200 रुपये में फिलिंग कर रहे हो, फिर तो भाई खाली दाल रोटी खा पाओगे ज़िंदगी भर। और जो फिफ्थ फैक्टर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा आपके खुद पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। अब आप बहुत सिंपल से सीधे से बच्चे हो तो आप ना कमा नहीं पाओगे, जिसे कहते हैं मतलब कि पेशेंट आपके पास आया है जिसको 1,000 रुपये की ट्रीटमेंट की बीमारी है और आप उसके बिल को 1 से 10,000 ले जाओ, फिर तो कमा लोगे। बट अगर आप ये बोलोगे मेरी तरह कि नहीं सर आपको ज़रूरत ही क्या 10,000 की, जब आपका काम 1,000 में हो जाएगा तो फिर खुद कैसे कमाओगे, राइट? तो अगर आप उस सेगमेंट में बिलोंग करते हो तो फिर शायद BDS आपके लिए राइट फील्ड नहीं है। सोच समझ के आप ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आयुर्वेदिक होम्योपैथी तो अभी मैंने बोला कि दे आर स्टिल कॉल द साइड ट्रीटमेंट्स रूरल एरियाज़ में, छोटे इलाकों में आप एज ए डॉक्टर बैठ जाते हो, फिर भी चलो ये रहता है कि आप कंसल्टेशन चार्ज और दवाई देने के नाम पर फिर भी आप ज़्यादा कमा सकते हो, आप पर भीड़ फिर भी लग जाती है। BDS में ये भी दिक्कत है ना कि आपको हाथों से काम करना है मोस्टली, अनलेस अनटिल मैंने वो बोला ना कि आप वो बड़े काम ना कर पाओ कि टूथ एक्सट्रैक्शन या टूथ इम्प्लांट, उन सब वाले जो स्पेशलाइज वाले काम है, या ब्यूटिफिकेशन दांतों को सीधा करना, ये सब करना, बट जो बेसिक टीथ ट्रीटमेंट होता है उसमें अगर आपको पैसा कमाना नहीं आता एज सेगमेंट 5, थोड़ी सी फाइट हो जाएगी। तो ये सब सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। और फिर से मैं इस साल के बच्चों को यही कहूँगा, जब आपने फैसला कर ही लिया ना BDS करने का, तो एक बार मॉपअप्स में ट्राई करके केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सस्ती सीटें हैं और अच्छे कॉलेज भी हैं। हाँ देखो, वो सस्ती में भी 55 के तो पड़ती हैं,
अब किसी का बजट ही बिल्कुल 15-20 लाख का था, सरकारी का था, उधर बी डी एस ही कराएगा, और 22-23 लाख के बजट में भी सोच लीजिए कि बी डी एस या मैं एम बी बी एस अब्रॉड करा लूँ। बी डी एस जैसे मैंने बोला, अगर 5 सेक्टर में फॉल करते हो तो इट्स अ वेरी गुड कैरियर। तो अगर आप पहले 3 में नहीं भी करते, अच्छे कॉलेज में जाइए, स्मार्ट बनिए, थोड़ा पैसा कमाना भी सीखिए, देन यू कैन राइज। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमसे संपर्क करना चाहे, हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस लेना चाहे, 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।